नमस्ते दोस्तों। वैसे तो ये कहानी आपने पहले भी कई बार सुनी होगी, लेकिन हर बार जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो अपने अंदर एक सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए सुनते हैं आज की कहानी आशा। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था, केवल एक कमरा रोशन था। वहाँ चार मिट्टी के दीपक जल रहे थे। चारों दीपक एकांत देखकर आपस में बातें करने लगे। पहला दीपक बोला, मैं शांति का दीपक हूँ, लेकिन जब मैं इस संसार को देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। हर जगह अशांति का माहौल है, लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, मैं ऐसे वातावरण में नहीं रह सकता। और ये कहकर वह दीपक बुझ गया। दूसरा दीपक भी अपने दिल की बात कहने लगा। वह बोला, मैं विश्वास का दीपक हूँ, पर मुझे लगता है कि झूठ, धोखेबाजी, बेईमानी मेरा अस्तित्व खत्म कर रहे हैं। ये जगह अब मेरे रहने लायक नहीं रही। यह कहकर दूसरा दीपक भी बुझ गया। तीसरा दीपक भी दुखी था। वह बोला, मैं प्रेम का दीपक हूँ, मैं हर किसी के लिए हमेशा जल सकता हूँ, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं बचा है और मेरा स्थान अब नफरत का भाव ले रहा है। लोगों के मन में अब अपनों के प्रति भी स्नेह का भाव नहीं रहा है। मैं ये सब नहीं देख सकता। और ये कहकर प्रेम का दीपक भी बुझ गया। तीसरा दीपक बुझा ही था कि कमरे में एक 13 साल के बालक ने प्रवेश किया। दीपक को बुझा देख उसे बहुत दुख हुआ और वह रोने लगा। वह बोला, इस तरह बीच में ही मेरी जिंदगी में अंधेरा करके तुम क्यों चले गए? तुम्हें तो आखिरी तक जलना था, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। तब चौथा दीपक बोला, निराश मत हो बालक, मैं आशा का दीपक हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक मैं जल रहा हूं, तुम मेरी लौ से दूसरे दीपक जला सकते हो। चौथे दीपक की बात सुनकर बालक को हिम्मत आई और उसने आशा के दीपक से शांति, विश्वास और प्रेम के दीपक को पुनः प्रकाशित कर लिया।